शिष्य को आ रहा है, भक्त प्रहलाद का हाथ पकड़ा, बोल इस खंभे में तेरा नारायण है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं बताइए आप लोगों को कि रोज बेलपत्री वगैरह चढ़ाती हूँ, तो वो सब पूजा वगैरह भागवत कथा का पाठ भी मैं मतलब एक घंटा करीबन पढ़ती हूँ, आधा घंटा एक घंटा पौन घंटा जैसा समय रहा वैसा। तो आज अभी पूजा वगैरह करके उठी, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने चाय और ब्रेड ले लिया। अभी मैं वही ब्रेड ही ज़्यादा ले लेती हूँ, बंद करूँगी ब्रेड लेना, रोज रोज ब्रेड भी अच्छा नहीं है। फिर अभी मैसेज आया कि आज पानी भर के रख लो, लाइट जा सकती है, तो फिर पानी भर रही। आज इंदिरा मैडम ने भी छुट्टी कर दी, बोल रही है कि उसकी आँख आई है। अब काम तो अपने को करना ही पड़ेगा, भाइयों के भरोसे पर तो नहीं बैठ सकते। फिर अभी मैंने पानी भर रही हूँ इधर, ये इधर पानी भर के रख सकती हूँ। कपड़े भी नहीं सूख रहे यार, कपड़े को भी मेरे को आज और उतारना है। ये आज मैं लाल मिर्च की भिगा के रखी थी, इसमें लहसुन डाल करके चटनी पीसूँगी। ये इसके बाद भागवत प्रसाद करके वो डिब्बी बहुत ही प्यारी लगी तो मैंने दिखाया। अब मैं पूरे बर्तन अभी कर लूँगी फटाफट, क्योंकि फिर 2:30 बजे से भागवत कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो अभी घर का काम आज इंदिरा नहीं आएगी तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो फटाफट मैं पहले घर का काम कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। आज तीसरा दिन है भागवत कथा का, आज का कलर है रेड, परंतु मैं वाइन कलर की साड़ी पहनी, मेरे को रेड कलर पसंद भी नहीं है, मेरे पास रेड कलर की साड़ी भी नहीं है, एक थी तो मैंने वो इंदिरा को दे दिया था। मैं वाइन कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ। अब अभी मैं तैयार हो रही हूँ, उसके पहले मैं ये लाल मिर्च और लहसुन रखा हुआ था तो उसकी चटनी पीस करके रख देती हूँ। उसके लिए मैंने लाल मिर्च को पहले पानी में भिगा दिया था और उसके बाद अब उसके डंठल निकाल करके मिक्सर जार पे डाल रही हूँ, और लहसुन छिलके रखी थी वो थोड़ा सा नमक थोड़ा सा जीरा डाल करके इसको पीस करके रख दूँगी, तो कभी भी पराठा खिचड़ी वगैरह कुछ भी के साथ अच्छा लगता है, तो ये बना करके मैं रख दे रही हूँ। और उसके बाद फिर अभी तैयारी करके मैं जाऊंगी महेश भवन। ये देखिए ये बन गई चटनी। आइनो मुझे पता है कि अभी अधिक मास है, सावन है, तो लहसुन नहीं खाना चाहिए, परंतु मैंने पीस करके रख लिया, मैं खा ले रही हूँ।
अब मैं आ गई हूँ स्वाति के यहाँ पे। स्वाति अभी तैयारी कर रही है, तब तक के मैं बैठी हूँ, स्वाति तैयार हो रही है, फिर हम लोग जाएंगे। आज हम लोग को यहाँ के बाद एक बेबी शावर के प्रोग्राम में भी जाना है, तो वहाँ भी रात को जाएंगे। और आज तो बहुत ही अच्छा है, आप आगे वीडियो देखते रहिए। आज चुनरी मनोरथ भी है, तो इतना अच्छा लगा चुनरी मनोरथ में। 308 साड़ियों का कुल मिला के 7 या 8 ऐसे रोल बने थे, 308 साड़ियों का, गंगोत्री से और यमुना जी से पानी आया हुआ था जल, जिसमें भिगो करके फिर पूरा चुनरी मनोरथ हुआ। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हरि सुंदर नंद मुख कंठ हरि नारायण, हरि सुंदर नंद मुख कंठ हरि नारायण, हरि नारायण नारायण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सत्य नारायण सत्य नारायण सत्य नारायण 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 सत्य। सामना किया है प्रहलाद जी ने। अंत में हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से कहते हैं, बोल पूरे दिन नारायण 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 कर रहा है, क्या इस खंभे में तेरा नारायण विद्यमान है? हाँ पिताजी, इस जड़ में भी मेरा जगन्नाथ है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तक, अण अण कण कण में मेरा नारायण व्यापक है। बोल इस खंभे में है। हिरण्यकश्यप की आंख लाल है, हाथ में गदा, भयंकर क्रोधा रूप में हिरण्यकश्यप आ रहा है। भक्त प्रहलाद का हाथ पकड़ा, कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज मैं आपके पास एक चीज मांग रहा हूँ मेरे ठाकुर। मेरे पिताजी को बता देना कि अण अण और कण कण में आप विद्यमान हो, इतनी मेरी विनती है। भगवान ने सोचा कि मेरा बालक मेरा भजन कर रहा है, इनका मन विचलित न हो, तो छोटे चींटी के रूप में मैं प्रविष्ट हो जाओ। छोटी सी चींटी का रूप लिया है भगवान नारायण ने, वे खंभे में स्तंभ में आकर प्रविष्ट भए प्रभु। तो प्रहलाद जी ने सोचा, वाह वाह लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, प्रकट हुए हैं देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, जय जय लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप के सामने भगवान नरसिंह नारायण प्रकट भए, गोदी में रखे हैं, एक एक वचन याद कराते गए, बोलो ऊपर हो के नीचे, न प्रभु न ऊपर न नीचे आपकी गोदी में, बोलो मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र, न प्रभु न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, बताओ रात है के दिन, बोले न रात न दिन, संध्या काल का वक्त, बताओ 12 महीने में मैं प्रकट नहीं हुआ हूँ, अमरावती में कथा के लिए मैं पुरुषोत्तम मास में आया हूँ, बजाओ ताली। इनके लिए हिरण्यकश्यप के लिए ठाकुर जी ने बलद महीना तैयार किया, बल मास पुरुषोत्तम मास। तो अंत में भगवान नरसिंह नारायण ने हिरण्यकश्यप की छाती चीर डाली, उद्धार किया, जय जय लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। नरसिंह प्रागट्य महोत्सव के
कथा के बार बार बोलूंगी भव्य दिव्य हेलो Oh,